भगवान राम के दर्शन करने के लिए मिलते हैं, बस एक ही छोटी सी वो थी यार। दिल्ली से अयोध्या जा रहे हैं नई वंदे भारत ट्रेन पे पेरेंट्स के साथ, बताओ इससे बढ़िया क्या हुआ। अयोध्या में आपका स्वागत है। तो होटल हमारा ऑलरेडी बुक था यहाँ पे, हाँ वो अयोध्या धाम है, बड़ा अच्छा बना दिया है वो। तो ये आई है अयोध्या कैंट स्टेशन पे। हाँ मौसम यहाँ पे थोड़ा गर्म है, हम लोग स्टेशन से तो बाहर निकल लिए हैं, लेकिन ऑटो रिक्शा या रिक्शा के लिए बाहर तक जाना पड़ेगा, रोड तक वहाँ से मिलेगा अपने को। ये पास भी जाना है। कितना लोग हैं? चार लोग। सवारी भी आपको 500 बता रहे हैं। कितना सवारी? 5 सवारी बैठा चार चार। हाँ तो 5 सवारी का पैसा हुआ 20 रुपये के हिसाब से 20 रुपये कराया। कितने? 20 रुपये पर पर्सन। चलो ले चले यार। भाई स्टेशन पर आके पता, गाड़ी कितनी दूर है भैया? स्टेशन पे आके पता चल रहा है भाई कितनी भीड़ है यहाँ पे, बहुत लोग आ रहे हैं भाई। ध्यान से साथ साथ ही रहो यार। 4 किलोमीटर का सामान ये बैग नीचे रख ले। देखो भाई हाथ बचाना पड़ेगा भाई। हेलो भाई, रिक्शा रिक्शा भाई, रिक्शा। मंदिर कितना दूर है यहाँ से? 11-12 किलोमीटर। ये वाली जाती है, ये रिक्शा जाती है? हाँ। कितना पैसा लेती है? अभी नहीं जाना, हम तो शाम को जाएंगे, पर हमें जायज रेट बता दो बस। अभी कोई कम हुए लोग के? नहीं नहीं, कम नहीं हो रहे, बढ़ती जा रही है। बढ़ती जा रही है, मतलब पहले जैसे बोले थे, पहले दिन तो 4-5 लाख लोग आ गए थे। नहीं उस तरह की नहीं, उस तरह की नहीं है ना। नहीं नहीं, राम मंदिर के लोग ही आते हैं। हाँ, और बाकी जो और ट्रेनों में आते हैं, बाई रोड आते हैं, यही सब भीड़ है। पर चलती तो धीरे है काफी है। लो जी ये अपना होटल। राइड तो यहाँ से सिर्फ 3 मिनट की थी वहाँ से एयरपोर्ट से, बट सामान था हमारे पास तो हम आ गए। पैदल भी आते तो 10 मिनट लगते मैक्स। और तो अब मंदिर जाना अभी ठीक रहेगा या सुबह में ठीक रहेगा? दोनों जा सकते हैं, 10 बजे तक है मंदिर। अभी 10 बजे तक है? हाँ मैंने सुना था कि 7 बजे तक ही दर्शन है। पेपर मेरे दिए थे 11 बजे तक चल रहा है। सर जी ना आप रिक्शा मत पकड़िए, फिर क्योंकि रिक्शा पूरा अयोध्या तक जाएगा नहीं। अच्छा बस भी नहीं जाती है, लता मंगेशकर चौक तक जाती है, उसके बाद 1 किलोमीटर आपको लगेगा। होटल में चेक इन हो गया, थोड़ा सा उनको शुरू में हमारा नाम मिल नहीं रहा था, बड़ी देर वो अपनी जो रिसेप्शन पे थी वो ईमेल में ढूंढ रही, ईमेल में कह रही, ईमेल आई नहीं, लेकिन फिर वो रिकॉर्ड मिल गया फाइनली। तो हमारे ये 2 रूम है, ये 305 ये रूम है, ये अपना अच्छा हीटर वीटर लगा हुआ है इधर। गीजर वीजर पानी आता है, गर्म पानी कभी भी पूरा टाइम आता है? नहीं आएगा, ठीक है। कुछ हद का गीजर है ना, तो सोलर गीजर लगा हुआ है। अच्छा तो सब में आता है। कितने बजे निकलेंगे आप? 1 घंटे में। 1 घंटे में निकलिए। अभी लगभग कितने देर लग रही है लाइन में? लाइन में 1-1.5 घंटे लग रहा है। 1.5 घंटा लग रहा है। चलो अंदर फोन तो नहीं ले जाना? फोन, बेल्ट, पर्स, कैमरा कुछ भी अलाउ नहीं है। कुछ भी अलाउ? फिर राम मंदिर में
दर्शन करके आइए, वहाँ प्रसाद प्रसाद अंदर नहीं चढ़ाने मिलेगा आपको, बाहर मिलेगा आपको सारा प्रसाद। जय श्री राम, धन्यवाद, जय श्री राम, धन्यवाद। पूरी जानकारी ले ली गई है। ये जो है हमारे दो ऐसे रूम हैं, पापा और मैं रुकेंगे इस रूम में, मम्मी और मम्मी रुकेंगे दूसरे रूम में। भाई होटल नहीं मिल रहे अयोध्या में, जब 1.5 लाख लोग आ रहे हैं तो होटल कहाँ से आएंगे। तो हमें मिल गया, ट्रेन भी मिल गई, दैट वाज द गुड पार्ट। आधा पौना घंटा थोड़ा आराम करेंगे, थोड़ा थक गए हैं, 1 घंटे में रफली यहाँ से निकलेंगे। ओके जी, ये जो है ये वॉशरूम है यहाँ का, कहीं तो पानी टप 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 कर रहा है। अच्छा यहाँ कर रहा है थोड़ा पानी टप 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 टप। भाई ये जो जियो का नेटवर्क है ना, ये जबरदस्त चीज़ है यार। पैसे देने हैं आपको मंथली, लेकिन यूजेज अनलिमिटेड है, क्योंकि अभी इनका 5G का वो चल रहा है ट्रायल। मेरे को मैसेज आया था कि अनलिमिटेड है, जितना मर्जी यूज़ करो। क्या गजब स्पीड है भाई, 800 Mbps। हम लोग बहुत ज़्यादा लकी हैं कि हमारे को यहाँ पर रहने की जगह मिल गई है। आज सब सोल्ड आउट था, सिर्फ एक ही होटल मिल रहा था, और थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, मतलब बाथरूम का दरवाज़ा नहीं बंद हो रहा, कुछ भी चल नहीं रहा, बट स्टिल नो कंप्लेंट्स। हमें जगह मिल गई, वही बहुत बड़ी बात है। बर्गर किंग का छोटा भाई बर्गर सिंह। तो हम जिस होटल में रुके हैं वो अयोध्या में जो राम जन्मभूमि वाला टेंपल है, मंदिर जो बना है अभी, वहाँ से कुछ 8-9 किलोमीटर दूर है, क्योंकि बिल्कुल अयोध्या में मंदिर के पास कुछ अवेलेबल ही नहीं था, और जो भी अवेलेबल था वो एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव था। तो अभी वैसे तो हमारा प्रोग्राम ओरिजिनली था कि हम लोग कल सुबह जाएंगे मंदिर, लेकिन हम सोच रहे हैं कि आज अभी 6 बजे हैं शाम के 6 बजे, तो हम सोच रहे हैं एक बार चलते हैं वहाँ पे, देखते हैं कितनी भीड़ है, क्या है। मंदिर के लिए बस किधर से मिलेगी, कितनी देर में आती है? रुकेगी एक बस तो आ रही है, यही है क्या बस? यही है, यही है क्या जो आ रही है पीले रंग वाली? यही है, चलो आप। हाँ आ गई, इसको इशारा कर दिया हमने। और सबसे खास बात यह है, ये इलेक्ट्रिक बस है। ये जगह पे यहाँ उतार दिया है, जहाँ से अंदर गाड़ियाँ तो नहीं जाने दे रहे, और चप्पे पे सिक्योरिटी है भाई, चप्पे पे सिक्योरिटी है। बाद पता नहीं चल रहा है आया है। हाँ पापा यहाँ पे और भी ज्यादा बैरिकेडिंग है। ओके जी, हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं मंदिर, और आज दर्शन हो जाएंगे। एक चीज ये है कि शुरू में पहले 2-4 दिन जो है फोन अलाउड थे अंदर लेके जाना, लेकिन अब फोन इलेक्ट्रॉनिक किसी तरह की कोई चीज अंदर अलाउड नहीं है। तो लेट्स सी कि कहां तक मैं रिकॉर्ड कर पाता हूँ। एक पॉइंट के बाद जाके रखना पड़ेगा फोन। अभी फिलहाल उम्मीद यह है कि लगभग 2 घंटे में नंबर आना चाहिए। जो लोग बाहर निकले उनसे पूछा, हम लोग रुके हुए हैं एक जगह पे, क्योंकि यहाँ पे ना आगे बैचेज में भेज रहे हैं, तो भी लोगों को रोका हुआ है। आगे रास्ता क्लियर है, वहाँ से जब मंदिर से कुछ लोग निकल जाएंगे फिर बैच में जाएंगे आगे। जय श्री राम। अगरबत्तियाँ जली हुई हैं, जिसकी वजह से पूरा जो खुशबू है पूरे रास्ते में, खुशबू बहुत बढ़िया है। भैया के
सिक्योरिटी चेक हो रहा है अभी, सिक्योरिटी चेक के बाद सामान जमा किया जाएगा। ये सिक्योरिटी है सारी यहाँ पे, सिक्योरिटी चेकअप। सिक्योरिटी चेक इज डन, अभी अंदर की तरफ जा रहे हैं, वहाँ पर लॉकर में सामान फोन वगैरह। हाँ जूते है, जूते चप्पल। तो यहाँ पे जूते होंगे जमा और उधर इलेक्ट्रॉनिक वगैरह बाकी सामान उधर जमा होगा। ये दे दो, इसको लेके आना। ठीक है ठीक है। आपको सारी चीज बताता हूँ, जब से लेके ये फोन रखा था। आप लाइन में लगते हो मंदिर जाने के लिए, जो मेन मंदिर है, जो गर्भगृह है जहाँ पे, वहाँ जाने में आपको 10 से 15 मिनट लग जाएंगे क्योंकि थोड़ी सी लाइन है। बट लेकिन उस लाइन में क्या एनर्जी है, जो लोग नारे बोल रहे हैं, मतलब वो एक डिफरेंट एनर्जी, एक्सप्लेन नहीं कर सकते। यहाँ पे लग रहा है ऐसा कि इस्कॉन का भी कुछ कीर्तन चल रहा है। सब लोग पुणे से आए हैं, भारत के कोने कोने से लोग हैं। चलो चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। कोई तो एक नया अलग ही नया पुल बन रहा है कोई, या तो पुल बना रखा। अच्छा मतलब वो धर्म सब वो है रहने के लिए, फ्लाईओवर है। नहीं नहीं ये रहने के लिए, रहने के लिए बहुत अच्छा बना रखा है। ये प्रसाद मिला है मंदिर से बाहर निकलते हुए, और मैं आपको बताता हूँ कि एक्सपीरियंस कैसा रहा। देखो जब हमने अपना सामान लॉकर में जमा कर दिया था, उसके बाद रफली 15-20 मिनट लगे होंगे हमारे को मंदिर के शुरू तक पहुँचने में। और मंदिर तो जैसे बोलते हैं ना भव्य मंदिर, मतलब बहुत ही भव्य मंदिर। आप देखते रह जाओगे मंदिर को, पिलर्स, मूर्तियाँ, कलाकारी, एक एक चीज़, छत, छतें मंदिर के अंदर इतनी सुंदर है कि मैं क्या बताऊं। और जो माहौल है वहाँ पे, जो लोग तालियां बजा रहे हैं, भजन गा रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, मतलब एक अलग ही एनर्जी लेवल है। सोने के दरवाजे, कितने सारे दरवाजे सोने के हैं, आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी। कैमरा अंदर ले जाना अलाउड नहीं था, तो मैं तो लेके जा नहीं सकता था। फाइनली जो है भगवान राम के दर्शन करने के लिए मिलते हैं, बस एक ही छोटी सी वो थी यार कि थोड़े सेकंड और मिल जाते, थोड़े से सेकंड, लेकिन यू नो हार्डली आपको 3-4 सेकंड मिलते हैं। और उसमें भी क्या, जैसे 3-4 लाइन है, लेकिन हाँ अरेंजमेंट बहुत ही बढ़िया है, बहुत बढ़िया। मतलब ऐसे नहीं आपको लगे कि कहीं धक्का मुक्की हो रही है, या शुरू के हो सकता है दिन में हो, 2-4 दिन में, अब तो बहुत स्मूथ हो गया, बहुत स्मूथ। लॉकर में सामान देना लेना,
और प्रॉपर लाइनों में जाते हो, तीन या चार ऐसे लाइनें बना रखी हैं। अगर अच्छे से दर्शन करने हैं गो ऑन द राइट लाइन, क्योंकि वो ऐसे करके ऐसे घूमती हैं, तो अगर आप राइट लाइन में हो गए तो आपको दर्शन थोड़े नज़दीक होंगे। हमें वो पता नहीं था, हम लेफ्ट वाली लाइन में थे तो दर्शन जो है थोड़ा दूर से हुए, बट दर्शन हो गए, बट वही 4-5 सेकंड के लिए, बट वो काफ़ी है, मतलब वो काफ़ी है। आए थे तो हमने कहा चलो आज शाम को वहाँ चलते हैं, देखते हैं कैसा माहौल है, क्या है। फिर जब वहाँ पहुँचे तो एक दो लोगों से बात की, उन्होंने बोला कि यार 1 से 1.5 घंटे में हो रहा है, 2 भी लग सकते हैं, बट 1 से 2 के बीच में 2 घंटे में हो जाएगा। हमारे को टोटल 1.25 घंटा लगा, जिसमें से रफली 15-20 मिनट तो हमारे सिर्फ लॉकर में सामान देने में और ऐसे 10-15 मिनट लॉकर से सामान लेने में लग गए। तो अगर आपको लॉकर में नहीं रखना, मान लो आसपास किसी होटल में रुके वहीं रख के आ जाओ, और आपका 1/2 घंटा बच जाएगा, और बस फिर आके जूते देने और बस दर्शन कर लो। और गाइस इस वीडियो में इतना ही, बहुत ही दिन आज का बढ़िया रहा, दर्शन बहुत अच्छे हो गए। यहाँ पे वीडियो को एंड करेंगे। आई होप आपको पसंद आई हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना अगर आप चैनल पे नए हो। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, अभी थोड़ा सा युद्ध है और भी घूमेंगे कल। हाँ दर्शन हो गए आज? हो गए, चलो बढ़िया हो गए यार, आज ही हो गए, आज ही कराया दर्शन।